सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। फारूख अब्दुल्ला की सरकार को नसीहत का जम्मू कश्मीर में कत्लेआम करने को पाकिस्तान से बात करो। पांच राज्यों के 40 ठिकानों पर एनआईए का छापा। टेररिस्ट स्मगलर्स और गैंगस्टर पर एक्शन। पटना में गजवाए हिंद से जुड़े दानिश के घर रेड। सिसोदिया से 9 घंटे चली सीबीआई पूछताछ। डिप्टी सीएम का दावा, अफसरों ने इशारों में मुझे बीजेपी ज्वाइन करने को कहा। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाऊ लाल मंत्री का अजीबो गरीब बयान, कहा हम मारते थे शेर और राजा पीकर पड़े रहते थे। केरल में अंधविश्वास खत्म करने के लिए राज्य सरकार को दिए जाए निर्देश। हाईकोर्ट में दी गई याचिका। जीतन राम मांझी के बाद अब चिराग पासवान का ऐलान। पार्टी गुजरात और हिमाचल विस में चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। कोविड की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे मांडविया। बैठक में शामिल होंगे शीर्ष अधिकारी। ममता बोली गांगुली को बीसीसीआई चुनाव लड़ने दे। भाजपा ने कहा शाहरुख को हटाकर सौरव को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दो। बीजेपी बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती पर भी अब दांव लगाने को तैयार। बीजेपी ने बंगाल के कोर कमेटी का किया ऐलान। एस जयशंकर बोले पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंसकी से मांग की आश्वासन। फिर हुई थी यूक्रेन से छात्रों की वापसी। भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा वॉट ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी की विरासत को आगे नहीं ले जाती। डिजिटल एक्टिविज्म कानून मंत्री रिजिजू बोले न्यायपालिका भटके तो सुधार का कोई उपाय नहीं। बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम को लिया निशाने पर, कहा नीतीश पीएम बनने को बेताब। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। शोपिया में ग्रेनेड अटैक। यूपी के 2 मजदूरों की मौत। कन्नौज के रहने वाले थे। पचासवें सीजीआई होंगे जस्टिस चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस यूई ललित ने नाम की सिफारिश की। पहली बार पिता के बाद बेटा होगा सीजीआई। मेरठ में 15 लोगों से भरी नाव गंगा में डूबी। 10 लोग तैरकर बाहर आए। 5 से 6 अभी लापता। एनडीआरएफ को बुलाया गया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी में जुटा बलिया प्रशासन। डीएम ने श्रीराम घाट का निरीक्षण कर चाक चौबंद व्यवस्था के दिए निर्देश। कार में 22 घंटे तक घुसा रहा सांप। पकड़ने के लिए बुलाना पड़ा सपेरा। मेरठ का है पूरा मामला। नोएडा की सोसाइटी में कुत्तों का आतंक। 1 साल के मासूम के शरीर को नोचा हुई मौत। गोरखपुर
रामपुर और महाराजगंज में आईटी की रेड, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट कारोबारी के चार फर्मों पर एक साथ रेड। गाजीपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हाथ को छूकर निकल गई गोली, ब्रह्मा बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। फर्रुखाबाद में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख, दमकल की दो गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव में सैकड़ों घरों में भरा बाढ़ का पानी, विभाग ने काटी बिजली, नहीं घट रहा है गंगा का जलस्तर, छत पर रह रहे लोग। फतेहपुर में गर्भपात के समय साली की मौत, जीजा ने जबरन बनाए थे शारीरिक संबंध, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अमेठी में घर से 70,000 नगद लेकर चोर फरार, कमरे को बाहर से बंद कर घटना को दिया अंजाम, सोते रहे परिवार वाले। हरदोई में 4 साल के बच्चे की हत्या, झाड़ियों में सड़े गले अवस्था में मिला शव, घर का इकलौता संतान था, 4 दिन से लापता। सीतापुर में साड़ियों के शोरूम में लगी आग, बुजुर्ग महिला की मौत, शॉर्ट सर्किट से हादसा, 30 लाख के नुकसान की आशंका। आजमगढ़ में मासूम की रेप के बाद हत्या, देर रात आरोपी ने दिया घटना को अंजाम, परिवार परिजनों ने लगाया रेप का आरोप। चंदौली के सैयद रजा विधायक सुशील सिंह पहुंचे, सैफ नेताजी को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। मैनपुरी में तेहरे हत्याकांड में आरोपियों पर दोष सिद्ध, 20 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा, जमीन की रंजिश में मारी थी गोली। जालौन में बाल विवाह रोकने को दिया जलाकर लिया संकल्प, मिशन शक्ति अभियान के तहत किया जागरूक, लोगों से सहयोग की अपील की। हरदोई में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न, कई मकान भी कटे, बेखतर बेडीचोर मार्ग बहा। श्रावस्ती में उफान पर राप्ती नदी, जलस्तर कम होते ही कटान बढ़ा, बाढ़ में समाहित हुए 12 मकान, सुरक्षित स्थान पर जाने की घर तोड़ रहे लोग। प्रियंका गांधी के बयान से भड़की सियासी हलचल, मैं वापस आती हूं नहीं तो आती रही, अलग बात चाहती हूं, यहां से जाऊं तो सुल्तानपुर हो सुंदर शहर। गाजियाबाद में मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली, यूपी दिल्ली में राह चलते लोगों से करते थे मोबाइल और चेन स्नेचिंग। औरैया में युवती लापता, पिता ने किया आत्महत्या की बात, यमुना किनारे मिला दुपट्टा, तहरीर पर गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज। हाथरस में सॉल्वर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, पहली पाली में फर्जी आधार कार्ड लेकर दी थी पेट परीक्षा। गाजियाबाद के तनिक शोरूम में चोरी, ज्वेलरी खरीदने आई 2 महिलाएं, नजर बचते ही सोने की 3 चूड़ियां चुराई, सीसीटीवी में कैद। मक्का में मक्केश्वर महादेव विराजमान है, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बोले, काशी हमारी है तो हमें मक्का भी मिलना चाहिए। हापुड़ में दिवाली को लेकर पुलिस अलर्ट, बाजारों में बढ़ती जा रही सतर्कता, एसपी बोले पुलिस को दे अप्रिय घटना की सूचना।
कानपुर में टक्कर के बाद डीजल टैंकर फटा, तेल लूट की मची होड़, बाल्टियां भर भर कर ले गए लोग। उन्नाव में शिक्षा के मंदिर में गालीबाज टीचर का वीडियो वायरल, स्कूल में टीचर द्वारा शराब पीकर टीचर ने युवक से की जमकर गाली गलौज। हरदोई में सरेआम बदमाशों ने महिला से की लूट की वारदात को दिया अंजाम, ससुराल जा रहे दंपति के साथ बाइक सवारों ने की लूट। झांसी के मुर्दा घर में अमानवीयता, मंचनामा भरने के बावजूद नहीं हुए तीन शवों के पोस्टमार्टम, परिजनों ने वहीं गुजारी रात। सीतापुर में कोचिंग जा रही छात्रा से सरेराज छेड़छाड़, बाइक सवार चार युवकों ने की हरकत, मंदिर में भागकर लड़की ने खुद को बचाया। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देहरादून और हरिद्वार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी, मचा हड़कंप। उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को सौंपेंगे उत्तराखंड प्रवास की रिपोर्ट। उत्तराखंड में दीपावली पर पुलिसकर्मियों के को ग्रेड पर पदोन्नति का तोहफा, 30 अक्टूबर तक होंगे प्रमोशन। मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में मौसम में खुशनुमा, गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में अवरुद्ध। उत्तराखंड में नियुक्ति को सड़क पर उतरे एलटी चैनिट व तकनीकी प्रशिक्षित, किया मुख्यमंत्री आवास का कूच। उत्तराखंड के देहरादून और दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक लग्जरी बस को नहीं मिल रहे यात्री, नहीं भेजी गई दो बसें। उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थित सरोवर पोर्टिको पर छापा, 3.5 करोड़ का टर्नओवर पकड़ा। उत्तराखंड के पेपर लीक मामले में आरोपित के विरुद्ध बढ़ाई गई आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा। उत्तराखंड में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाली गिरोह का पर्दाफाश, 2 सदस्य गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फायर स्टेशन के पास मिली शव चौकी, इंचार्ज क्षेत्र को लेकर उलझे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा बीएसएनएल केंद्र में लगी भीषण आग, 4 जिलों में बीएसएनएल संचार सेवाएं प्रभावित। उत्तराखंड में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के गंभीर आरोप, कहा अविभुक्तेश्वरानंद का पट्टी अभिषेक धावा झूठा। उत्तराखंड में निर्भया फंड से 10 पर्वतीय जिलों में बनेंगे महिला हॉस्टल, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में कमजोर नहीं हो रहा डेंगू का डंक, प्रदेश में 22 और लोग डेंगू की चपेट में, अब तक प्रदेश में कुल मिले 1702 मामले। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त के छहासे में 7 लोगों की मौत। रूस के आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन में मचाया आतंक, अमेरिका ने युद्ध अपराधों पर दी चेतावनी।
किम जोंग उन की मिसाइल टेस्टिंग के बीच जापान लाएगा उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध। तुर्की के नोबल विजेता रोहान पामुक बोले हिजाब पर पीएम मोदी फैसला नहीं कर सकते। इजराइल को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरूशलम को राजधानी मानने से किया इनकार। पाकिस्तान खतरनाक देश, बाइडेन के बयान से पलटा, यूएस कहा विश्वास है पाक परमाणु हथियार सुरक्षित रखेगा। क्यू पर रूस का हमला, 3 की मौत, ईरानी ड्रोन से 4 जगह धमाके किए। 10 अक्टूबर को रूसी सेना ने 9 शहरों में दागी थी 83 मिसाइलें। रूसी बम वर्षक विमान SU-34 दुर्घटनाग्रस्त होकर 9 मंजिला इमारत पर जा गिरा, भीषण आग से 6 की मौत। ब्रिटेन के पीएम लीज ट्रस्ट ने गलत फैसलों के लिए मांगी माफी, बोली पद नहीं छोड़ूंगी, काम करना जारी रखूंगी। ईरान के एविन जेल में आगजनी से मरने वालों की संख्या 8 हुई, 3 अमेरिकी नागरिक हिरासत में लिए गए। शहबाज सरकार को इमरान खान की चेतावनी का आजादी मार्च में नहीं होगी कोई देरी। सुजलान को अडानी ग्रीन से मिला ऑर्डर, 48.3 MW विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी, शेयर 4% से ज्यादा भागा। सैमसंग गैलेक्सी M32 प्राइम एडिशन लॉन्च, 4G स्मार्टफोन में 4.4 इंच HD स्क्रीन प्लस 6000 mAh बैटरी, 64 MP क्वाइट कैमरा भी मिलेगा। मोटोरोला ने लॉन्च किया बजट 4G स्मार्टफोन मोटो E22 की कीमत 8,999 रुपए। RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा लंबी चलेगी महंगाई पर काबू पाने की लड़ाई, लेकिन जरूर नीचे आएगी कीमतें। सरकार का दावा, देश के गोदामों में गेहूं चावल का पर्याप्त स्टॉक, गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि समान। नए वित्त मंत्री ने कर कटौती से जुड़े सभी फैसलों को पलटा, बोले लीज ट्रस्ट इंचार्ज बनेगी रहेंगी। TRS सांसद और परिवार से जुड़ी 80.65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी, प्रधानमंत्री ने तेल, फर्टिलाइजर और कच्चे तेल का आयात घटाने का किया आह्वान। RBI की मासिक रिपोर्ट, खाने पीने के पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी, महंगाई में होगी कम। कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक ने कस्टमर्स को दिया झटका, किया MCLR में इजाफा। रोजर बिन्नी बने 36वें BCCI प्रेसिडेंट, सौरव गांगुली की जगह लेंगे भारत के पूर्व ऑलराउंडर। श्रीलंका को हराने वाला नामीबिया हारा वर्ल्ड कप में, उलटफेर का सिलसिला जारी, नीदरलैंड 5 विकेट से जीता।
स्कॉटलैंड वेस्टइंडीज मैच में बाउंड्री लाइन पर मुंह के बल गिरा नन्हा बच्चा, पापा भी नहीं बचा पाए। विश्व क्रिकेट के सिकंदर ने फिर से दुनिया को चौंकाया, T20 वर्ल्ड कप में मचाया गदर। मोहम्मद शमी ने शाहीन शाह आफरीदी को दी गेंदबाजी टिप्स, वीडियो हो रहा है वायरल। फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बेंजेमा को, 24 साल बाद फ्रांसीसी को मिला बैलन डी और मेसी रोनाल्डो टॉप 10 से बाहर। बाबर आजम से मिले सुनील गावस्कर, बैटिंग टिप्स और ऑटोग्राफ दिया, फैंस ने कहा भारतीय क्रिकेटर कुछ सीखे। T20 वार्म अप मैच का पहला दिन, ऑफिशियल वार्म अप मैच में इंग्लैंड को मिली जीत, 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया। गोल्फर जीव मिल्खा सिंह की शिकायत खारिज, 8 साल बाद भी गाड़ी ट्रांसफर नहीं, भुगतेंगे 85,000 के 63 ट्रैफिक चालान। विराट ने फील्डिंग से बदला मैच का रुख, रन आउट किया फिर बाउंड्री पर एक हाथ से कैच पकड़ा, टीम इंडिया को दिलाई जीत। करण जौहर ने शेयर किया क्रिप्टिक नोट, लिखा मेहनत धक्के खा रही, किस्मत राज कर रही है। आलिया भट्ट की ड्यू डेट आई सामने, HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में होगा बच्चे का जन्म, डिलीवरी के बाद लेंगी लंबा ब्रेक। फिल्म फोन बूथ इवेंट में पहुंची कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ किया जमकर डांस। रायगढ़ में छात्रों के बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय खिलाड़ी कुमार ने स्टूडेंट से पूछा सफलता का राज। साजिद खान पर भड़की भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, लगाए गंभीर आरोप, कहा डायरेक्टर ने घर बुलाकर अश्लील हरकतें की। राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर फिर से एक्टिव हुए, अपने ट्रोलर्स को कहा आप सब धीरे धीरे कहां गायब हो रहे हैं। BTS के मेंबर्स अब आर्मी ज्वाइन करेंगे, 2 सालों तक नहीं कर सकेंगे कोई भी परफॉर्मेंस। युवा शक्ति पराक्रम का ग्रेट गगरेट अभियान कार्यक्रम, पद्मश्री से सम्मानित बॉलीवुड गायक कैलाश खेर ने अपने गीतों से बांधा समा। नयनतारा और विघ्नेश ने सरकार को सबमिट किया एफिडेविट, किया वादा 6 साल पहले ही कर चुके थे मैरिज रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान ने होस्ट की प्री दिवाली पार्टी, वाइफ ताहिरा ने वीडियो शेयर किया, डांस करते दिखे बॉलीवुड सेलेब्स। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ बात